ये दो दो नेशनल अभी यहाँ रांची में जो आयोजन हो रहा है, एक तो सब जूनियर का और जूनियर का, इसमें लगभग 1200 से 1300 महिला पुरुष पहलवान मिलाकर आए हुए हैं, भाग ले रहे हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा है जो दो नेशनल कराने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, और इस टूर्नामेंट को मुझे उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा सक्सेसफुल तरीके से करा के हम उसको ख़त्म करवाए। मैं अपने विषय में कहना चाहता हूँ कि मैं 86 से ही कुश्ती में 85-86 से मैं खुद लड़ता था, उसके बाद फिर मैं NIS किया, NIS कोच हूँ, इंटरनेशनल कोच हूँ, इंडिया टीम का भी कोच रहा। उसके बाद जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड कुश्ती संघ का सेक्रेटरी, अभी तक ये मेरा झारखंड में 7वां नेशनल है। झारखंड मैंने अभी 13 साल हुआ, 14 साल, और 14 साल के इतिहास में 7 नेशनल हम कराने का सौभाग्य हुआ है भारतीय कुश्ती संघ से। जब कोई नेशनल कराने के लिए तैयार नहीं होता है तो नेशनल झारखंड को दे दिया जाता है, अब हम उसको करा देते हैं। ये भी नेशनल जो आप दोनों यहाँ देख रहे हैं, एक बिहार और एक राजस्थान को अलर्ट था, झारखंड को अलर्ट नहीं था, मगर आखिरी टाइम में दोनों सिलेंडर को दिए, अब कराना हमको पड़ा। आप कुश्ती से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप कुश्ती से प्रेम करते हैं, इतना कुश्ती से इतना प्रेम आपको, आपने कुश्ती से प्रेम है, खिलाड़ियों से प्रेम है, अच्छा आयोजन कराने का कोशिश करते हैं। कोई भी आयोजन में थोड़ी मोड़ी कमी होती है, वो हुआ होगा यहाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई कमी ना हो, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, ऑफिशियल को कोई दिक्कत ना हो, रहने खाने प्रतियोगिता स्थल जो भी है कहीं भी कोई दिक्कत समस्या ना आए, अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई कमी हो गई है या कमी रहती है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, और भविष्य में प्रतियोगिता कराने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, अब आगे भी कराता रहूँगा। जब हिंदुस्तान कोई नहीं कराएगा तो झारखंड में प्रतियोगिता कोई देगा, मैं कराऊँगा। थैंक यू सो मच।